पूरी दशरथ नंदन की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र के दिव्य छवि का वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। पद पंकज अरु कमल नयन का रूप दिखाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र के दिव्य छवि का वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। साचे मन के साथ धन्य अवध की पावन माटी, धन्य अयोध्या धाम, धन्य धन्य वो रंग महल जहाँ जन्म लिए श्री राम। धन्य अवध के खग मृग सारे, धन्य है वन उपवन जहाँ राम के पांव पड़े हैं, धन्य है वो आंगन। धन्य अवध के वासी सारे, अवध के गांव, धन्य धन्य है तरुवर सारे, धन्य है उनकी छांव। ऐसी पावन अवधपुरी को शीश नवाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र की दिव्य छवि का वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री राम भक्तों, ऐसी पावन पतित स्वर्ग रूपी अयोध्या को कोटि कोटि नमन है। श्री हरि, श्री विष्णु, भगवान श्री राम बनके अवतरित होते हैं। सुंदर छवि, रूप मनोहर, बाल लीलाएं दिखाने के पश्चात जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस समय का उनके स्वरूप का वर्णन अत्यंत ही मन भावन मनोहारी शब्दों में श्री तुलसीदास जी ने किया है। कमल पुष्प से अधर राम के, नील गगन से नैन, गोल कपोल गुलाब के जैसे केश घनेरी रैन, तिलक सूर्य का मस्तक साजे, कंठ में कंचन हार, कांधे साजे दिव्य जनेयू पांव नूपुर झनकार, तीनों माँ बलिहारी जाए, दशरथ जी मुस्काए, अवधपुरी की परजा सारी नत नत शीश झुकाए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों राजकुमार, बैठ के नौका सरयू जी में करते हैं मनोहार। पतित पावनी सरयू माँ को शीश झुकाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र के दिव्य छवि का वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। चारों भाइयों की अनुपम छवि जो भी देखता मंत्रमुग्ध सा हो जाता। क्या नर, क्या नारी, क्या पशु, क्या पक्षी, चारों भाइयों को देखते तो देखते ही रह जाते थे भक्तों।
श्री राम जी की मनमोहक मुस्कान कमल के पुष्प की भांति मन को सम्मोहित कर देती थी। श्री राम का युगल स्वरूप अत्यंत मनमोहक है भक्तों। दिव्य छवि श्री राम लखन के मन भावन नवनीत, चंद्र बदन कंचन वर्ण है सुंदर रूप पुनीत। दशरथ महल सुशोभित करते दशरथ जी के कंत, आकर दे आशीष महल में प्रतिदिन साधु संत। राम घाट पे चारों भाई करते नित स्नान, इंद्र देव अरु देव अनेकों करते हैं यशगान। चारों भाई क्रीड़ा करते करते हास परिहास, अवधपुरी की हर गलियों में बिखरा था उल्लास। चारों भाइयों का दर्शन सबको करवाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ, श्री रामचंद्र के दिव्य छवि का वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सारी अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम ही राम सुनाई देता है भक्तों। चारों भाई जिस दिशा में जाते हैं समय ठहर सा जाता है, चलते चलते लोगों के पांव रुक जाते हैं, नजरें चारों राजकुमारों पे जाकर स्थिर सी हो जाती हैं भक्तों। मन पर्वत पर झूला झूले आए जब सावन, अति मधुकर रमणीक स्थली है अति मन भावन। देव काल के दर्शन करने प्रतिदिन जाते हैं, परिक्रमा फिर सूरज कुंड की करके आते हैं। कनक भवन में चारों भाई करते हैं विश्राम, माता पिता संग क्रीड़ा करते प्रतिदिन सुबह शाम। युवा अवस्था की सीढ़ी पे थे चारों भाई, सारे रंग महल में खुशियां ही खुशियां छाई। ऐसे दिव्य अयोध्या के दर्शन करवाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ, श्री रामचंद्र की दिव्य छवि का वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। बाल्यावस्था बीत चुकी थी भक्तों, युवा अवस्था की पहली सीढ़ी पर चारों भाई पहुंच चुके थे। सारी अयोध्या के हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम अपनी कैकई माता के सबसे प्रिय थे। श्री राम भी माता कैकई से अत्यंत स्नेह रखते थे। एक दिवस कुलगुरु विश्वामित्र जी का अवधपुरी में पदार्पण होता है राजा दशरथ जी के दरबार में। विश्वामित्र गुरु जी एक दिन अवध में आते हैं, साधु संतों की दशरथ से व्यथा बताते हैं। हवन यज्ञ में बाधा डालने राक्षस आते हैं, झुंड में आते हैं मिलके आतंक मचाते हैं। राम लक्ष्मण को लेने के लिए मैं आया हूँ, साधु संतों को रक्षा का वचन दे आया हूँ। राम लक्ष्मण दोनों भाई रहेंगे मेरे साथ,
असुरों का इन दोनों के हाँ। तेरा जन्म राम लखन को वन ले जाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ, श्री रामचंद्र की दिव्य छवि का वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ सहर्षि दोनों पुत्रों को गुरु विश्वामित्र के साथ विदा कर देते हैं। दोनों राजकुमार गुरु चरणों में नमन करते हैं और धनुष बाण संभालते हुए गुरुदेव के साथ साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बड़ी प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की।
भर करेंगे प्रतीक्षा राम नाम नाम की सब भिक्षा सब भिक्षा